हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? तो चलो हम 10th की सेकंड सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट टू गेट। तो इसमें क्या रह रहा है सर? वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट ऑलवेज गेट वट वी वॉन्ट टू गेट। तो देखो, सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। वी आर अवेयर, हमें मालूम है कि हमें वो नहीं मिलता। वी ऑल डू नॉट ऑलवेज गेट वट वी वॉन्ट टू गेट। तो नवीन सर, इसमें नो एरर है। लेकिन सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि कई बार क्या होता है कि एरर निकालना ही होता है। मतलब हमारी मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है कि इसके अंदर एरर ढूंढना ही ढूंढना है। नो एरर मतलब लगाना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है चीज़ों में। तो नवीन सर देखो, नो एरर मार्क करने के लिए ना हिम्मत चाहिए। सच्ची बात है ये कि अगर आप नो एरर मार्क करने वाले हो ना, तो मतलब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे कि यार नो एरर कैसे हो सकता है, होगा मैं ढूंढ नहीं पा रहा, इसी कारण से आप नो एरर मार्क नहीं कर पाते। लेकिन नवीन सर, एग्जाम्स में जनरली एक आधा क्वेश्चन नो एरर का फंसता है, और नो एरर आप मार्क तभी कर पाओगे जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। विदाउट प्रैक्टिस आप नो एरर वाले क्वेश्चंस को कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे, दो द ट्राइबल्स हैड पुअर, दे डोनेटेड ए ह्यूज सम फॉर सेटिंग अप अ हॉस्पिटल। कह रहे दो, हालांकि द ट्राइबल्स हैड पुअर, ट्राइबल्स के पास पुअर थे। हैड जो होता है उसका तो मतलब होता है पजेशन, तो ट्राइबल्स के पास पुअर थे या ट्राइबल्स पुअर थे? तो यहाँ पे होगा दो द ट्राइबल्स हैड की जगह मुझे चाहिए वर। दो द ट्राइबल्स वर पुअर, दे डोनेटेड, हालांकि वो पुअर थे लेकिन फिर भी उन्होंने डोनेट किया ए ह्यूज सम फॉर सेटिंग अप अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन, यहाँ पे यू नहीं होना चाहिए, योर होना चाहिए। ये गलती है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो इफ यू आर नॉट वेल, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशंस, वन थिंग यू कैन डू वॉज टू स्टडी हार्डर। तो देखो, इस सेंटेंस के अंदर सारा प्रेजेंट चल रहा है। यह देखो, यहाँ लिख रहा है इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशंस, वन थिंग यू कैन डू, तो ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो वॉज टू स्टडी हार्डर की जगह मुझे यहाँ पे चाहिए इज स्टडी हार्डर। तो वॉज की जगह मुझे क्या चाहिए? इज स्टडी हार्डर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया केम टू द मीटिंग मच लेटर देन द बॉस एक्सपेक्ट। देखो इसका मतलब क्या है, सोनिया आई मीटिंग में मच लेटर, इतनी ज़्यादा कि जितना बॉस ने एक्सपेक्ट किया था या एक्सपेक्ट करता है। देखो मतलब सेंटेंस को पढ़ने से पता लग रहा है कि उस सेंटेंस हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, द बॉस एक्सपेक्टेड या हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ पार्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ चॉइस आई विल प्रेफर वर्किंग इन फील्ड टू वर्किंग इन ऑफिस। तो देखो, इस सेंटेंस के अंदर दिया है गिवन अ चॉइस। अब देखो यहाँ पे, ये जो गिवन अ चॉइस गिवन है ना, ये यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। क्लासेस के अंदर हम लोगों ने हमेशा से सीखा है, और जो क्लासेस के अलावा इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। तो ये जो गिवन यहाँ पे है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कह रहे गिवन ए चॉइस, अगर एक चॉइस दी जाए। तो गिवन जो है कंसीडर की बात कर रहा है। जैसे हम मैथ्स में थ्योरम पढ़ते थे तो हम वहाँ पे भी लिखते थे गिवन। गिवन का यूसेज सेंटेंसेस के अंदर होता है अगर, या तो इसी सेंस में कि दी जाए, या इसको हम यूज करते हैं कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स। तो कह रहे गिवन अ चॉइस आई विल प्रेफर वर्किंग, देखो प्रेफर के साथ V1+ING लगा है, इसी कारण से इन फील्ड टू वर्किंग, टू के बाद भी V1+ING लगा है क्योंकि V1+ING का ही कंपैरिजन होगा V1+ING के साथ, और प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है, इसीलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैड सेंड हिम रिप्लाई टू हिज ईमेल सम टाइम लास्ट वीक। देखो ठीक है, लास्ट वीक की बात कर रहा है तो हम लोगों ने उसको कुछ रिप्लाई भेजा है, लेकिन देखो एरर बिल्कुल सामने ही है। हम लोग क्या सोचते हैं कि एरर वर्ब का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो वर्ब का एरर है, आई हैड सेंट आएगा, क्योंकि देखो सेंड एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हम लोग हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे एरर मतलब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों को थोड़ी अपना मतलब मेंटेलिटी, हमारा माइंड को थोड़ा अलर्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सामने नहीं दिखती। ठीक है ना, तो फर्स्ट में एरर है।
इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेदर इट वुड बी साइंड और नॉट. देखो हमने लास्ट जो शीट डिस्कस की थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि वेदर के साथ हम और नॉट का पेयर बनाते हैं. अब सेंटेंस को एक बार दोबारा पढ़ते हैं. कह रहा है इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. कह रहा है जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, निर्देश दिए गए थे, उनसे ये चीज क्लियर नहीं थी कि वेदर इट शुड बी साइंड और नॉट, कि क्या इसको साइन करना चाहिए या नहीं. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो लगा रहा है शुड बी, यानी कि प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है और पीछे पास्ट को डिनोट कर रहा है. तो यहीं पे मुझे एरर है, इट इज नॉट. तो नवीन सर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि शुड की जगह शुड हैव कुछ ऐसा बना दूं? शुड हैव अगर आप वहाँ पे इज शुड हैव हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है. नहीं नवीन सर, अगर आप शुड हैव बना दोगे तो बी की जगह आपको बीन चाहिए होगा. शुड हैव बीन साइन. तो इसीलिए दो पार्ट में हम एरर नहीं कर सकते. हमें कौन से पार्ट में एरर चाहिए? फर्स्ट पार्ट में, इट इज नॉट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज़पेपर्स रिपोर्टेड द डेथ बाय ड्रोनिंग ऑफ टू ब्रदर्स हु वेंट फॉर बाथ इन ए वेल. देखो क्या कह रहा है, रिसेंटली मतलब अभी की बात है कि न्यूज़पेपर रिपोर्टेड करते हैं द डेथ बाय ड्रोनिंग ऑफ टू ब्रदर, कि दो ब्रदर डूब गए कहाँ पे, वो वेंट फॉर बैथ इन ए वेल, जो मतलब एक कुएं में या कोई नदी थी या कोई रिवर थी वहाँ पे, मतलब बैथ के लिए गए थे, वहाँ पे वो डूब गए या डूब गए थे. देखो यहाँ पे वो वेंट फॉर, ठीक हमें पता लग रहा है कि सारा सेंटेंस पास्ट में, लेकिन रिसेंटली एक काइंड ऑफ ऐसा एडवर्ब है जो जनरली हम लोग परफेक्ट टेंस यूज करते हैं इसके साथ. तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट फॉर की जगह हैड गोन फॉर. और वैसे भी नवीन सर देखो एक चीज होती है कि जब भी दो एक्शन हो रहे हो पास्ट में, तो रिपोर्टेड एक पास्ट का एक्शन है और जो ये डूबे ये उससे पहले का एक्शन है. जब भी दो एक्शन पास्ट के अंदर हो रहे होते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट एक्शन को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर, मतलब जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट. बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. कह रहे एज अ बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल एंड देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी टू रीड एंड राइट. कह रहा है एज अ बॉय, कह रहा है जब वो बॉय था, ही हैज नेवर बीन टू स्कूल. ये जो बीन टू है इसका मतलब है कि वो कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है ना. तो बीन टू स्कूल एंड देयरफॉर, और इसीलिए ही हैड नो कैपेसिटी, तो उसके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है टू रीड एंड राइट. तो देखो एज अ बॉय ही हैज नेवर गोन, वो नहीं गया था, नहीं गया है, तो ही हैड नो कैपेसिटी नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए ही हैज नो कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी तो आज भी नहीं है ना उसके पास रीड एंड राइट करने की. तो यहाँ पे हैड की जगह मुझे क्या चाहिए, हैज चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. बी केयरफुल सो दैट यू आर नॉट बी कॉट बाय द पुलिस. कह रहे थोड़ा सा ध्यान से, सो दैट, ताकि तुम्हें पुलिस ना पकड़ के ले जाए. तो देखो एक चीज यहाँ पे सीखने लायक ये है कि जो सो दैट यहाँ पे यूज हो रहा है, इस सो दैट के साथ हम मे या माइट का पेयर बनाते हैं, और मे बनाते हैं हम जब प्रेजेंट टेंस चल रहा हो, और माइट बनाते हैं हम जब पास्ट टेंस चल रहा हो. तो यहाँ पे हमें मे चाहिए क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा था. तो बी केयरफुल सो दैट यू माइट नॉट, यू मे नॉट बी कॉट बाय द पुलिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स. देखो फॉर द लास्ट 30 ईयर्स मतलब हमें टाइम ड्यूरेशन मिल गया, तो इसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज नहीं करेंगे, मतलब परफेक्ट टेंस यूज होगा यहाँ पे, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस. बिल्कुल, जहाँ पे भी हमें टाइम ड्यूरेशन दिख जाती है तो वहाँ पे हम कभी भी कोई भी सिंपल कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ से ना आप एक चीज तो ना दिमाग में बना लो, ए फॉर एप्पल बना लो, कि जब भी किसी सेंटेंस में हमें टाइम ड्यूरेशन दिखाई दे और साथ में दिखाई दे जाए इज एम आर या वॉज वर, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें इज एम आर वॉज वर की जगह हैज हैव या हैड बीन चाहिए वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन. कह रहे द साइंस टीचर, साइंस के टीचर ने क्लास को बताया द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन. देखो लास्ट शीट में भी, लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था कि रिवॉल्व के साथ तो अराउंड आता है, लेकिन मूव और गो के साथ राउंड आता है. मूव और गो के साथ तो राउंड आता है अर्थ के केस में, लेकिन रिवॉल्व के साथ अराउंड आता है. और अगेन जैसा पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वैसा ही क्वेश्चन है. अर्थ रिवॉल्व्ड नहीं आएगा, अर्थ रिवॉल्व्स चाहिए यहाँ पे. डी की जगह मुझे चाहिए एस. द रीज़न इज़ कि ये एक परमानेंट एक्शन है, ये एक प्रूवन फैक्ट है. यूनिवर्सल ट्रूथ को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय हैव बीन प्लेड इन द सन फॉर द लास्ट
5 hours विदाउट एनी ब्रेक। देखो इसके अंदर अगर हम इस सेंटेंस का मतलब निकाल लें तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या मतलब है? द बॉय हैव बीन प्लेड, देखो यहाँ पे पैसिव हो गया, मतलब बॉय को खिलाया जा रहा था या बॉय खेल रहे थे, मतलब यहाँ पे सेंस क्या मिल रही है कि बॉय जो लड़के थे वो खेल रहे थे इन द सन, मतलब धूप में, फॉर द लास्ट 5 hours विदाउट ए ब्रेक, मतलब बिना कुछ ब्रेक लिए 5 घंटे से लगातार खेल रहे थे या खेल रहे हैं। यहाँ पे आएगा हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे हैव बीन प्लेड नहीं आएगा क्योंकि हैव बीन प्लेड पैसिव हो जाता, मतलब उनको खिलाया नहीं जा रहा था, वो खुद खेल रहे थे। मैनी बिजनेसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैनी बिजनेसेस प्रोवाइड अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट विच हैज पेड अंटिल द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। कह रहे हैं मैनी बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं, देते हैं ए काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोवाइड करते हैं, ये देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहा है, एक ऐसा बेनिफिट विच हैज पेड अंटिल द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, विच हैज पेड, जिसने पे किया है या विच पे करता है, तो विच हैज पेड नहीं, मुझे चाहिए विच पेज, तो हमारा पार्ट हो गया सी जिसके अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है एज द एब्सेंस ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम होम वॉज अनयूजुअल इंक्वायरीज आर मेड विच लेट टू नो रिजल्ट। देखो टेंसेज से रिलेटेड जितने भी एरर अगर हमें सेंटेंसेज में मिलते हैं तो मैक्सिमम एरर यही होता है कि एक पार्ट प्रेजेंट में चल रहा होगा और दूसरा पार्ट पास्ट में गिवन होगा, तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देनी है कि सेंटेंस किस चीज़ की बात कर रहा है, प्रेजेंट की या पास्ट की। कह रहा मतलब सर ये बात यहाँ पे ध्यान देने की वो कि मतलब अगर टेंस चेंज होता तो हमें उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि टेंस चेंज हो तो कहीं इसी एरर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल नवीन सर, विदाउट, अगर विदाउट किसी लॉजिक के अगर टेंस चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आपको एरर मिलने की उम्मीद है। देखते हैं, कह रहा है एज द एब्सेंस ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम होम वॉज अनयूजुअल, देखो पास्ट चूज किया यहाँ पे इसने, तो कह रहा है इंक्वायरीज आर मेड एंड विच लेट टू नो रिजल्ट। देखो बी पार्ट में भी वॉज बता रहा है, यहाँ भी लेट बता रहा है, यानी कि बात जो चल रही है पास्ट की चल रही है, लेकिन सी पार्ट में इसने क्या कर दिया, आर यूज कर दिया, तो इस आर की जगह मुझे चाहिए इंक्वायरीज वर मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वेन एवर अंकित मिस्ड हिज मदर ही वुड ओपन द स्मॉल वुडन बॉक्स, देखते हैं, एंड वेंट थ्रू हर लेटर्स, नो एरर, तो देखते हैं इसके अंदर एरर क्या है। देखो अगर हमें वही बात है कि अगर टेंस का एरर निकालना तो हमें सबसे पहले इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। वैन और जब कभी की बात होती कि अंकित मिस करता अपनी माता को, अपनी मदर को, ही वुड ओपन, देखो वुड के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एंड वेंट थ्रू, देखो एंड के साथ हम लोग जो वर्ब आएगी ना वो वुड के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे वुड मिस यहाँ पे वो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था मतलब वुड मिस, यहाँ पे आएगा वुड गो, मतलब क्या आएगा वुड के साथ हम ओपन यूज कर रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ पे एंड के बाद विवर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन नवीन सर यहाँ पे देखो देखने लायक एक सीखने लायक बात बहुत अच्छी थी, क्या कह रहे, कह रहे वेन एवर अंकित मिस्ड हिज मदर, देखो पास्ट की बात चल रही है लेकिन साथ में इसने यहाँ पे यूज किया वुड ओपन, और यहाँ पे ये जो वुड है ना नवीन सर, यहाँ पे ये यूज्ड टू को डिनोट कर रहा है। बिल्कुल, कह रहे जब भी अंकित मिस किया करता था उसकी मदर को, अपनी मदर को, ही वुड ओपन, वो ओपन किया करता था स्मॉल वुडन बॉक्स, एंड क्या लिख रहा है, एंड वेंट थ्रू, तो यहाँ पे मुझे वेंट थ्रू नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए गो थ्रू, क्योंकि वेंट की जगह वुड के साथ जो होता है यानी कि मोडाल्स के साथ हम हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म यूज करते हैं। मतलब वुड हैबिट को शो कर सकता है सर पास्ट की। बिल्कुल, वुड जो है यूज टू को डिनोट करने के लिए, पास्ट की हैबिट को डिनोट करने के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे यू मस्ट वॉर्न हिम सेइंग दैट यू विल बीट हिम इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट यू अगेन, कह रहे यू मस्ट वॉर्न हिम, कह रहे तुम्हें उसको वॉर्न कर देना चाहिए कि यू विल बीट हिम, कि आप जो है ना उसको पीटोगे इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट यू अगेन। तो देखो अब यहाँ पे भी तो वही कंडीशनल यूज कर रहा है, और इफ ही इज टॉकिंग की जगह मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे देखो कंडीशनल में इसने यहाँ पे विल बीट लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे इफ ही इज टॉकिंग की जगह मुझे चाहिए इफ ही टॉक्स अगेंस्ट यू अगेन, तो यहाँ पे टॉकिंग की जगह मुझे चाहिए इज टॉकिंग की जगह मुझे चाहिए टॉक्स, फर्स्ट कंडीशन की कंडीशन बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लाउड्स होल्ड वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लैंड और द सी, लेटर द वाटर इन द क्लाउड्स रिटर्न टू द लैंड एज रेन और स्नो। देखो अभी नवीन सर हमने पहले भी यही बात डिस्कस की थी कि जब भी टेंस चेंज हो रहा है वहां पे देखो आपको एरर मिल जाएगा। देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है क्लाउड्स होल्ड वाटर, होल्ड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लाउड्स वाटर को होल्ड करते हैं, जो वाटर कौन सा, जो इवेपोरेट होता है, देखो होल्ड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इवेपोरेट्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्रॉम द लैंड और द सी, लेटर द वाटर इन क्लाउड्स रिटर्न, नहीं चाहिए
मुझे यहाँ पे चाहिए द वॉटर इनक्लाउड्स रिटर्न्स टू द लैंड एज रेन और स्नो। तो कह रहे क्लाउड्स जो है उनके अंदर पानी रहता है, वो पानी कौन सा होता है जो लैंड और सी से निकल के आता है, इवेपोरेट होके आता है, इवेपोरेट होता है वाष्पीकरण जो साइंस में पढ़ा होगा हमने। लेटर द वाटर इन क्लाउड्स, और पानी जो होता है क्लाउड्स का वो वापिस आ जाता है लैंड पे एज रेन और स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट। देखो इस टाइप के सेंटेंसेज आप लोगों को मतलब जनरली मिलेंगे, क्या होता है इनके अंदर कि इट इज हाई टाइम के साथ हम लोग जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन नवीन सर, इट इज टाइम के डायरेक्ट बाद नहीं, इट इज टाइम के बाद जब भी हमें सब्जेक्ट दिखाई दे, मतलब इट इज टाइम के बाद अगर हमें सेंटेंस या क्लोज मिलता है तो उसके अंदर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बिल्कुल, अदरवाइज हम इट इज टाइम के बाद टू भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता इट इज टाइम टू डू समथिंग तो वो सेंटेंस भी ठीक था, लेकिन जब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया वी तो हमें यहाँ पे चाहिए डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द सहगल्स आर लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर मैनी ईयर्स नाउ। कह रहे द सहगल्स आर लिविंग, देखो फॉर मैनी ईयर्स, यहाँ पे अगेन इस टाइप के क्वेश्चन तो अब हमें हमारे लिए ए फॉर एप्पल हो जाने चाहिए कि जहां पे भी मुझे टाइम ड्यूरेशन दिख गया वहां पे मुझे इज एम आर नहीं चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो सहगल्स हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देर वॉज नथिंग, कह रहे देर वॉज नथिंग ही वुड नॉट डू इफ ओनली ही शुड मेक प्रॉफिट। कह रहे देर वॉज नथिंग, कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं था, ही वुड नॉट डू इफ ओनली ही शुड मेक प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे दिखा है इफ ओनली, नवीन सर यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना इफ ओनली यूज कर रहा है। बिल्कुल सर, और इफ ओनली के बाद हम मोडाल यूज नहीं करते, इफ ओनली के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो नवीन सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज और सिखाना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट्स को भी साथ में एक चीज सिखाना चाहूंगा कि इफ ओनली के ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं देखो मैं बताता हूँ। एक स्ट्रक्चर होता है कि इफ ओनली के बाद हम पास्ट यूज करते हैं, यानी कि पास्ट का मतलब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और अगर हम इफ ओनली के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो ये चीज हमेशा प्रेजेंट को डिनोट करेगी, मतलब प्रेजेंट की विशेज बताएगी सर। बिल्कुल, प्रेजेंट की विश को डिनोट करने के लिए इफ ओनली आई न्यू दिस अर्लियर, कि इफ ओनली आई न्यू दिस, काश ये मुझे अभी पता होता। ठीक है जी, तो इफ ओनली के साथ जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी तो वो किसको डिनोट करेगी नवीन सर? प्रेजेंट की विशेज को। ठीक है, लेकिन अगर यही इफ ओनली पास्ट परफेक्ट के साथ यूज हो जाए, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज हो जाए, तो ये हमेशा पास्ट की विशेज को डिनोट करता है। अगर यही चीज अगर पास्ट के लिए यूज हो जाएगी, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके यूज हो जाएगी, तो ये हमेशा किसको डिनोट करेगी? पास्ट की विशेज को। इफ ओनली आई हैड नोन इट, तो काश ये मुझे पता होता। ठीक है जी, और इसी तरह से इफ ओनली फ्यूचर को भी डिनोट करेगा अगर हम इफ ओनली के साथ वुड का पेयर बनाएंगे। और देखो वुड आ गया, मोडाल है, तो मोडाल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इफ ओनली के साथ वुड प्लस वी वन जो होगा वो फ्यूचर की विश को डिनोट करेगा। तो हमने तीन चीजें सीखी, नवीन सर मेरे साथ रिपीट करेंगे, इफ ओनली के साथ अगर हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो फ्यूचर की विशेज को शो करते हैं, और अगर इफ ओनली के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो प्रेजेंट की विशेज को शो करेगा, और अगर इफ ओनली के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो पास्ट की विशेज को शो करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर देखें तो कह रहा है देयर वाज नथिंग ही वुड नॉट डू, कह रहा है ऐसा कुछ नहीं था कि वो नहीं करेगा, इफ ओनली अगर उसे क्या मिल जाएगा, क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो इफ ही शुड मेक प्रॉफिट की जगह ये देखो यहाँ पे ये पास्ट को वॉज नथिंग को पास्ट को डिनोट करना चाह रहा है, तो इफ ही हैड मेड प्रॉफिट, तो मुझे यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे शंकर वॉज इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। कह रहे शंकर वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग यस्टरडेज प्रोग्राम। कह रहे शंकर को काम दिया गया था कि वो कल के प्रोग्राम को
यस्टरडे के प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेगा, बट ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज, लेकिन ड्यू टू का मतलब है बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज के कारण ही डज नॉट डू इट। देखो अगेन वही एरर आ गया जो हम पीछे कई सेंटेंसेज में देख के आए हैं कि यहाँ पे हमें गिवन है वॉज, यहाँ पे गिवन है यस्टरडे, पास्ट की बातें चल रही हैं, तो यहाँ पे ये डज नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ही डिड नॉट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू ? देखो क्वेश्चन मार्क आ गया तो हम लोगों को मतलब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए या हेल्पिंग वर्ब चाहिए? सर हमें देखो इन्वर्जन चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, तो ये जो विल की पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पे गलत है, विल मुझे यू से पहले चाहिए, तो हमारा सेकंड पार्ट के अंदर एरर है। अगर मान लो सर ये पीछे क्वेश्चन मार्क ना होता तो? क्वेश्चन मार्क ना हो नवीन सर तब भी है तो ये क्वेश्चन, देखो एग्जाम के अंदर पंक्चुएशन के एरर्स हम मार्क नहीं करते, क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन मार्क से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन से फर्क पड़ता है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो तब हम इस विल को यू के बाद ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड निखिल ऑब्टेन्स गाइडेंस फ्रॉम हिज फादर इन हिज बिजनेस प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे एक बच्चों को डाउट हो सकता है, एक्चुअल में ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है कि सर यहाँ तो ये रिक्वायर्ड दिया है और यहाँ पे ये ऑब्टेन्स दिया है, तो ये तो रिक्वायर्ड वाले में एरर होना चाहिए ए पार्ट में, लेकिन यहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होती, ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब भी उसको ज़रूरत होती है, इसका मतलब वही है निखिल ऑब्टेन्स गाइडेंस फ्रॉम हिज फादर इन हिज बिजनेस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नंदिनी डिसाइडेड टू लीव फॉर द ऑफिस इट हैड बिकेम वेरी डार्क बिकॉज ऑफ थिक क्लाउड्स। मतलब जब वो मतलब उसने डिसाइड किया मतलब निकल वहाँ से ऑफिस से निकलने का, तो मतलब बहुत देर हो चुकी थी कि मतलब बादल छा चुके थे, तो देखो यहाँ पे एरर मतलब कोई टेंस का नहीं है, यहाँ पे एरर है वर्ब की फॉर्म का, हैड के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन है जो क्या होती है बिकेम, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए बिकम, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिकम बिकेम बिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है इफ यू वुड हैव टेकन टीचिंग मोर सीरियसली, इफ यू वुड हैव टेकन टीचिंग मोर सीरियसली ही वुड हैव बिकम ए कॉम्पिटेंट टीचर। कह रहा है अगर उसने टीचिंग को ज्यादा सीरियसली लिया होता, मोर सीरियसली और सीरियसली लिया होता, तो ही वुड हैव बिकम ए कॉम्पिटेंट टीचर, तो वो एक बढ़िया कॉम्पिटेंट हैविंग स्किल, कॉम्पिटेंट का मतलब हो जाता है हैविंग स्किल्स, तो स्किलफुल टीचर बन जाता। यहाँ पे नवीन सर अगर आप ध्यान से देखो तो एरर दिख रहा है मुझे कि इफ़ के बाद इन्होंने मोडाल यूज़ कर लिया, इफ़ के बाद हम जनरली मोडाल यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे मुझे वुड हैव नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए इफ़ ही हैड टेकन, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशनल के अंदर हम इफ़ के साथ यानी कि जो कंडीशनल क्लोज होता है उसके अंदर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं और सामने रिजल्ट में हम लेते हैं वुड हैव शुड हैव कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि अगर वो टीचिंग को सीरियसली लेता तो हैड टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे द गार्डनर डिड नॉट कट द ग्रास फॉर सम टाइम बिकॉज आई हैव गॉट ए लॉट ऑफ अदर जॉब्स फॉर हिम टू डू फर्स्ट। कह रहे कि गार्डनर ने डिड नॉट कट द ग्रास फॉर सम टाइम, उसने काफ़ी टाइम से घास नहीं काटी, बिकॉज गार्डनर हो गया माली, तो माली ने घास नहीं काटी, बिकॉज आई हैव गॉट, क्योंकि मेरे पास हैं ए लॉट ऑफ अदर जॉब्स फॉर हिम टू डू फर्स्ट। देखो उसने घास नहीं काटी, देखो फिर से वही बात आ रही है कि डिड नॉट यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हैव यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे यही एरर है, द गार्डनर डिड नॉट कट द ग्रास फॉर सम टाइम बिकॉज आई हैव गॉट नहीं आई हैड गॉट ए लॉट ऑफ अदर जॉब्स फॉर हिम टू डू फर्स्ट, तो मुझे हैव की जगह हैड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर वाज नो वन एट होम ए थीफ केम इन एंड रोब द हाउस। देखो हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत करते हुए आए हैं, मतलब हम टेंस की एरर निकालना मतलब वर्ब का गेम हो चुका, अब तो वर्ब आपको फाइंड करनी कौन सी यहाँ पे आ चाहिए, तो देखो पढ़ते हैं, व्हेन देयर वाज नो वन एट होम, जब वहाँ पे घर पे कोई नहीं था, तो द थीफ केम इन
केम इन मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब चोर अंदर आया, एंड रोब वो करता है या उसने किया, यहाँ पे आएगा रोब्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई फोर्थ पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा बाय द टाइम वी रीच देयर द सेमिनार हैड बिगन। बाय द टाइम वी रीच देयर, कह रहा जब तक हम वहाँ पहुँचे द सेमिनार हैड बिगन। देखो बिगिन बिगैन बिगन, तो इस सेंटेंस के अंदर बिगन गिवन है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और पीछे इसने दिया है कि जब तक हम वहाँ पहुँचे, तो रीच्ड और हैड बिगन जो है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, कह रहा आई वॉज टू अबाउट टू गो। खैर मेरे को आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे यहाँ पे एरर दिख रहा है, आई वॉज टू अबाउट टू गो आउट ऑफ माई हाउस व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। आई वॉज टू अबाउट गो, तो देखो यहाँ पे मुझे टू अबाउट गो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आई वॉज अबाउट टू गो। ये हमेशा ऐसे ही यूज होता है, आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू डू इट, आई एम अबाउट टू डू इट, यानी कि हम यूज करते हैं बी प्लस अबाउट प्लस टू, बी अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका मतलब होता है ये चीज़ होने वाली है। अगर हम बी यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर, तो ये चीज़ होने वाली है। अगर हम यूज़ करेंगे वाज वर, तो ये चीज़ होने वाली थी। तो अगर मैं बोलूँ आई एम अबाउट टू फिनिश दिस सेशन, तो मैं ये सेशन ख़त्म करने वाला हूँ। अगर हम बोलें कि वी आर अबाउट टू फिनिश, या वी आर अबाउट टू कम्प्लीट दिस शीट, तो इसका मतलब होगा कि हम इस शीट को कम्प्लीट करने वाले हैं। और अभी कुछ हो जाए और आपको बाद में याद आए कि जब मैं शीट को कम्प्लीट करने वाला था, तो वहाँ पे आप यूज़ कर दोगे आई वॉज अबाउट टू गो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, कह रहा आई वॉज टू अबाउट गो, तो यहाँ पे टू अबाउट गो नहीं, मुझे चाहिए आई वॉज अबाउट टू गो, I was about to go out of my house when it suddenly started raining. तो इस sentence के अंदर error first part में था, ठीक है जी। तो हम आज के इस session को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए thank you friends.